है। सीए लागू होने के बाद आज पहला शुक्रवार है, यानी जुम्मे का दिन, लिहाजा देश भर में संवेदनशील इलाकों में पुलिस प्रशासन अधिक सतर्कता बरत रहा है ताकि देश विरोधी किसी भी तरीके की हरकत ना हो सके, आम लोगों को कोई गुमराह ना कर सके। यूपी में खासतौर पर लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, आगरा, बरेली और अलीगढ़ के साथ साथ मुरादाबाद और मेरठ में निगरानी बढ़ा दी गई है। पुलिस के लोग बड़ी तादाद में डिप्लॉय किए गए हैं। संवेदनशील जिलों में पुलिस प्रमुखों को मस्जिदों में भीड़ पर नजर रखने और सोशल मीडिया पर खास निगरानी करने के लिए कहा गया है कि कोई असामाजिक तत्व किसी को भड़का ना सके, कोई अफवाह फैला ना सके, इससे निगरानी रखी जा रही है पूरे प्रदेश में। इस वक्त की बड़ी खबर है। इस बीच एक और बड़ी खबर यह है लखनऊ से, जहां पर मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया को नजरबंद किया गया है। यूपी पुलिस ने सुमैया को नजरबंद किया है। पुलिस को सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की आशंका है। सोशल मीडिया पर भी पुलिस की नजर है। मस्जिदों में भी ज्यादा भीड़ नहीं होने देगी पुलिस, ये जानकारी मिल रही है। लखनऊ में पुलिस ने मुनव्वर राणा की बेटी को नजरबंद किया है, सुमैया को नजरबंद किया गया है। सीएए लागू करने का नोटिफिकेशन केंद्र सरकार जारी कर चुकी है और उस नोटिफिकेशन के बाद आज पहला शुक्रवार है, जुमे का दिन है और इस दौरान पूरे प्रदेश में शांति बनी रहे, कहीं भी किसी तरीके की कोई स्थिति गड़बड़ ना हो, कोई चुनौती ना खड़ी हो, इसके लिए पुलिस ने अपनी तैयारी कर रखी है और अलग अलग जगहों पर पुलिस के लोग डिप्लॉय किए गए हैं। सोशल मीडिया पर खासतौर पर नजर रखी जा रही है पुलिस की एक टीम के द्वारा, ताकि कोई अफवाह न फैले। मनीष हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मनीष, सीए के नोटिफिकेशन के बाद आज पहला शुक्रवार, इसलिए तैयारी पहले से जो थी उससे और पुख्ता किया गया है और हर जगह नजर, तैयारियां क्या है जानकारी दीजिए। देखिए राकेश, चूंकि लोकसभा चुनाव का ऐलान होना बस बाकी रह गया है, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश सेंसिटिव है भी और आज जुमे की नमाज है। सीए के खिलाफ पहले भी उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन होते रहे हैं और तब हिंसक प्रदर्शन हुए थे, ऐसे में इस बार ऐसी कोई अव्यवस्था ना पहले, इसकी तैयारी पुलिस प्रशासन ने पहले कर ली थी। डीजीपी मुख्यालय की ओर से सभी जिलों के पुलिस कप्तान को निर्देश जारी किया गया था, पुलिस कमिश्नरेट को भी कहा गया था कि अपने यहां निगरानी व्यवस्था कड़ी रखें। 1800 लोगों की सूची बनाई गई थी जो पहले सीए प्रोटेस्ट जो हुआ था उसमें शामिल हुए थे, उन पर खासतौर पर नजर बनाए रखने के निर्देश दिए गए थे। सोशल मीडिया पर चूंकि हमने देखा है कि मस्जिद में आमतौर की अपेक्षा कई बार ज्यादा भीड़ हो जाती है, तो ऐसे में सोशल मीडिया पर निगरानी, कहीं ऐसा ऐलान तो नहीं हो रहा कि मस्जिद में जुटे हैं लोग, तो ये सारी व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए गए थे। उसी कड़ी में आज कुछ लोगों को नजरबंद किया गया है। लखनऊ से खबर यह है कि सुमैया राणा, जो कि मुनव्वर राणा की बेटी है शायर, उनको भी हाउस अरेस्ट किया गया है। सुमैया पहले भी सीए प्रोटेस्ट में शामिल रही हैं, हिस्सा लेती रही हैं, घंटा घर पर वो जो प्रदर्शन चल रहा था उसकी अगुवाई करती रही हैं, तो ऐसे में उनको नजरबंद किया गया है। फिलहाल जुड़ने के लिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया।